नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़, मैं हूं रवि शर्मा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपनी हरकतें जो हैं उसे बाज नहीं आ रहा है। नापाक हरकतें जो हैं पाकिस्तान की लगातार जारी हैं, और आज भी नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से एक स्नाइपर शॉट जो था वो मारा गया, जिसमें नौशेरा डींग कलाल के रहने वाले सुरजीत कुमार जो हैं उनके पाँव में गोली जो है वो लगी है, जिससे वो गंभीर रूप में घायल हैं। प्राथमिक उपचार के लिए उनको उप जिला अस्पताल नौशेरा लाया गया था, वहाँ से उनको GMC जम्मू में रेफर जो है वो कर दिया गया। सुरजीत कुमार से हम बात करने की कोशिश जो है वो करेंगे। सुरजीत जी, आप हमें बताएंगे कि जब पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई, गोली चलाई गई, तो आप कहाँ पर थे और आप क्या कर रहे थे? सर, मैं अपना काठमांडू से मीरा की ओर से लिंक लेके जा रहा था, और अचानक फायरिंग हो गया था। मैंने अपना सामान नीचे करने की कोशिश की, और नीचे करते हुए अचानक बाहर से गोली लगी मेरे को। गोली आपके पाँव में लगी है? हाँ, गोली मेरे पाँव से बाहर निकल कर चली गई। तो सर, क्या आपके साथ और भी साथी थे आपके वहाँ पर जब ये काम वहाँ पर चल रहा था? हाँ, मेरे साथ और साथी भी थे, और मेरे से आगे थे, और मैं सबसे लास्ट में था। तो सर, क्या मांग आप करना चाहेंगे? प्रशासन की बात करें तो अभी तक आपको कोई सुविधा जो है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है प्रशासन की तरफ से? हाँ सर। क्या क्या सुविधा आपको उपलब्ध करवाई गई है? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं करवाई गई? नहीं सर। क्या क्या अपील आप करेंगे गवर्नमेंट से, अगर वो लोग आपको देख रहे हैं जिस तरह से आपके पाँव में गोली जो है वो लगी है, तो क्या क्या चाहते हैं आप? सर, मैं चाहता हूँ कुछ उनको भी होना चाहिए, पाकिस्तान को भी। जी हाँ, मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखा दें कि गोली जो है वो सुरजीत सिंह का जो पाँव है उसके आर पार जो है वो हो चुकी है, और पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत जो थी वो की गई। और जो सुरजीत कुमार हैं डींग कलाल के, ये रहने वाले हैं, कुछ इनके परिजन भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से अमूमन देखा जाता है कि नौशेरा की बात करें पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर गोलियाँ जो हैं वो चलाई जाती हैं, और आज भी सुरजीत कुमार जो है वो जख्मी हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमारा इससे कोई एक महीना पहले भी पोर्टर ख़त्म हुआ है उसी जगह पे, लेकिन अभी इस बच्चे के साथ ये हुआ है। मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से जो इसकी पेमेंट मिल रही है वो इसको मिलना चाहिए परमानेंट, क्योंकि बेटा कंडम हो गया। मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ। एक पहले वहाँ के पोर्टर जो थे जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी, क्या उनको कोई आर्थिक सहायता जो थी वो दी गई थी? दी गई है, उनको दी गई है। तो अभी जब इनको गोली लगी तो कौन इसको अस्पताल जो था नौशेरा में लेके आया? आर्मी रिपोर्टर इकट्ठे थे, आर्मी भी साथ थी और रिपोर्टर भी, उन्होंने उठाया और आर्मी हॉस्पिटल MI में ले गए, वहाँ से रिफर किया नौशेरा में, और नौशेरा से हम नौशेरा से क्या अस्पताल प्रशासन द्वारा का एम्बुलेंस जो थी आपको दी गई थी? हाँ, दी गई है फ्री, मुफ्त में। तो जो वहाँ पर इलाज हुआ वो भी मुफ्त में हुआ। और यहाँ की बात करेंगे GMC जम्मू में जो आपका इलाज यहाँ पर चल रहा है, इसका जो खर्च है वो कौन दे रहा है सर? सर, ये तो अपना गवर्नमेंट कर रही है जो जम्मू हॉस्पिटल में, हमारा कोई खर्चा नहीं। पाकिस्तान की तरफ से अमूमन इस तरह की हरकतें जो हैं वो नौशेरा सेक्टर की बात करें पूरी जगह होती हैं, लेकिन नौशेरा सेक्टर डींग कलाल की बात करें तो अक्सर गोलाबारी जो है वो होती रहती है वहाँ पर। आप क्या चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ किस तरह का जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए कि रोज़ रोज़ की इस तरह से जो है गोलाबारी ना हो? मैं गवर्नमेंट के आगे यही अर्ज करता हूँ, वो PM मोदी तक यही मैं अपनी एक गुजारिश करता हूँ कि जो बार बार फायरबंदी चलती है इसका नामो निशान मिटाना चाहिए, जो इसमें है फर्क को ख़त्म करना चाहिए। जी हाँ, ये थे हमारे साथ सुरजीत कुमार के परिजन, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि पाकिस्तान जो है उसको उसी की भाषा में एक ही बार जो है वो जवाब दिया जाना चाहिए, ताकि रोज़ रोज़ की जो गोलाबारी है वो वहाँ पर बंद हो, और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको परेशानी जो है वो ना हो। रवि शर्मा, JKC न्यूज़, जम्मू।